अगर आप हमारी सेवकाई को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और यूपीआई भी कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेतनिया का लाजर नाम का एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पूछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था, अत उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था, फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहाँ 2 दिन और ठहर गया। इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चलें। हमारा मित्र लाजर सो गया है परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वो सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था परंतु वह समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहाँ ना था, जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चलें। वहाँ पहुँचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। बेतनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता, और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। यह कहकर वह चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा, गुरु यहीं है और तुझे बुलाता है। यह सुनते ही वह तुरंत उठकर उसके पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था परंतु उसी स्थान में था जहां मार्था ने उससे भेंट की थी। तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, यह देखकर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई है, यह समझे कि वह कब्र पर रोने को जाती है, तो उसके पीछे हो लिए। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था तो उसे देखते ही उसके पांवों पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। यीशु रोया। तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्रेम रखता था। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह जिसने अंधे की आंखें खोली यह भी ना कर सका कि यह मनुष्य ना मरता? यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से दुर्गंध आती है क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी
तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है इनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकला। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। परमेश्वर के वचन को सुने जाने पर परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।